खबर है सड़क में बेसहारा पशुओं को लेकर। सड़क पर बेसहारा पशुओं को छोड़ने पर अब सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मनोज पुष्प कलेक्टर रीवा का कहना है। मीडिया को जानकारी देते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सड़क में पशुओं को बेसहारा ना छोड़ें। उन्होंने पशुपालकों से तथा आमजन से अपील की है कि गोवंश की रक्षा करने में सभी सहयोगी बने। आवारा पशुओं के सड़क में विचरण करने से दुर्घटना होने पर मनुष्यों की भी जान जा सकती है, इसलिए पशुपालक अपने पशुओं को बेसहारा ना छोड़ें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सड़क में विचरण करने वाले पशुओं को अभियान चलाकर गौशाला भेजा जाएगा। सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की भी बात उन्होंने करी। आपको बता दें कि बहुत से पशुपालक अपने गायों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और गायों की भी मौत होती है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। वहीं देखा जा रहा है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पशुपालक अपनी गायों को खुला छोड़ रहे हैं। हम लोगों ने आज इसकी एक विशेष बैठक की है और ये निर्देश दिए हैं। वेटनरी के डिपार्टमेंट के लोगों ने को भी और जो रोड के लोग हैं उनको भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी, एसपी साहब थे, कि ऐसे पशुओं की पहचान की जाए और अगर वो टैग्ड हैं तो पशुपालकों की भी पहचान की जाए जिनके द्वारा ये पशु छोड़े गए हैं, और उनको गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एक विशेष अभियान परसों से इसका शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि पशुपालकों ने इसे छोड़ा हुआ है और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए और लोगों को शामिल करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि लोग पशुओं को न छोड़ें इस तरीके से, और जो पशु आवारा तरीके से सड़कों पर विराजमान हैं, जिनके कि घायल होने की संभावना है या जिनके कारण जो वाहन चला रहे हैं लोग उनके घायल होने की संभावना है, उसको फिर अब गौशाला में पहुंचाया जाए। और यदि कोई फिर गौशाला आ करके और अपना वाहन क्लेम करता है तो 1,000 रुपये फाइन के बिना उसको न छोड़ा जाए। कितनी ऐसी गायें हुई, कुछ चिन्हित हुई हैं सर? आवारा जो नहीं, अभी तो बताया गया है, तो आवारा पशु तो आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं सर। गौशालाएँ क्या आप इन सब आवारा पशु वहाँ रखा जा सके, पूरी व्यवस्था हो? व्यवस्था उसकी सीओ जिला पंचायत को और सीओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है और गौशालाओं को चिन्हित किया गया है, वहाँ व्यवस्थाएँ बनाई जाएगी और वहाँ इनको रखा जाएगा।